हे गाइस, मिस्टर प्रोटोन हियर। तो आज बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर कनक कथुरिया और कमाल रशीद खान के बारे में। सबसे पहला अपडेट आपको बता दूं कि मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में उन्होंने एक रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था कि जिसका टाइटल था और लास्ट वीडियो एंड लास्ट मैसेज। गाइस यार, आज है 29 अगस्त 2022 और ये हमारी एक आखिरी वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हमने एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया है आपके लिए जो कि बंद होने वाला है इस बक्से के अंदर। तो उस वीडियो को देख के लग रहा था कि ये उनका लास्ट वीडियो, इसके बाद अब वो वीडियो नहीं बनाएंगे। और उस वीडियो के थ्रू उन्होंने कुछ मैसेज भी दिया, लेकिन वीडियो को देखने के बाद पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसा इनक्रेडिबल काम किया है कि वो कुछ चीजें, उनकी पर्सनल चीजें, उनकी टीम की पर्सनल चीजें, जैसे ब्लड सैंपल, उनके डीएनए सैंपल यानी बालों के, कुछ उनके लिखे हुए पर्सनल लेटर्स और कुछ उनकी यादें जो वीडियो के रूप में वो पेन ड्राइव और एसडी कार्ड के रूप में ऐसा सीक्रेटली रखने जा रहे एक बॉक्स में 100 सालों के लिए। तो 100 सालों के लिए उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल चीजें एक गड्ढे में दबा दी और उस बॉक्स के साथ उन्होंने एक ताला भी लगा के साथ में चाबी भी रख दी। वैसे तो उसे जमीन में दफना दिया है, लेकिन उस वीडियो के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया कि इसको 100 साल से पहले नहीं ओपन करना है। अगर इसी को मिल भी जाए तो उस पर डेट लिखी हुई है कि इसको 2122 में ही ओपन करें। और इस वीडियो को बनाते बनाते वो काफी इमोशनल भी हो गए थे और रोने भी लगे थे। चलिए सेकंड अपडेट की बात करते, तो आप कनक्स किचन को जानते होंगे, यानी कनक्स किचन का जो हिंदी चैनल है उसमें कनक कथुरिया जो कि होस्ट है, मतलब खुद उनका ही चैनल है। तो वो रिसेंटली संदीप माहेश्वरी के वीडियो में दिखी। मतलब आपको पता है संदीप माहेश्वरी आजकल पॉडकास्ट बहुत चला रहे, तो अलग अलग यूट्यूबर्स को बुलाते हैं। तो आज उनका वीडियो अपलोड हुआ है कनक कथुरिया से रिलेटेड, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं अमित बड़ाना के बारे में। तो रिसेंटली अमित बड़ाना ने अपने न्यू लुक के साथ कुछ फोटो शेयर करते हुए कुछ लिखा है कि अचीव करना मुश्किल रहा पर हम मुश्किल काम ही तो करते हैं, विश मी लव एंड ब्लेसिंग। तो 7th of September को कुछ नया दिखने वाला है, या तो टीजर हो सकता है या ट्रेलर हो सकता है। वैसे वीडियो सीधा तो नहीं आएगा क्योंकि ये लोग सीधा वीडियो अपलोड नहीं करके पहले टीजर ट्रेलर कुछ दिखाई देते हैं। खैर, ये 7th September को ही पता चलेगा। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता कि कमाल रशीद खान जो कि जेल में बंद है कुछ उनके विवादित ट्वीट के लिए जो उन्होंने 2020 में किए थे, तो जैसे वो दुबई से मुंबई लैंड हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनका एक ट्विटर अकाउंट है KRK बॉक्स ऑफिस, तो उस पर 27 तारीख के बाद कोई अपडेट नहीं। तो इसका मतलब ये कि KRK खुद ही इसे अपडेट करते थे। तो उनके फॉलोवर ने कमेंट भी किया कि भाई साहब आपका मेन आदमी किधर गया जो इस ट्विटर अकाउंट को हैंडल करता था। तो आपको पता कि बड़ी बड़ी फेंकता है इंसान। वही एक यूजर ने मजेदार फोटो शेयर करते हुए लिखा कि लाइव सीन फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट, मलाड पुलिस अरेस्टिंग KRK। तो KRK की तुलना यह एक डॉग से की हुई है। वही एक यूजर ने मजे लेते हुए कहा कि यार जेल की हवा पानी कैसा है। खैर, इसका रिप्लाई तो वो जेल से बाहर आने के बाद भी करेंगे। फिलहाल वो नॉन बेलेबल कंडीशन की वजह से 14 दिन के लिए जेल में, यानी कि 14 दिन से पहले जेल से बाहर आ ही नहीं सकते। वही उनका मेन ट्विटर अकाउंट जिसपे था कमाल रशीद खान, तो उसका उन्होंने नाम चेंज करके कमाल रशीद कुमार कर दिया था। शायद वो इंडिया आ रहे थे इसी वजह से उन्होंने खान उनको पसंद नहीं आया।